गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक नीति आयोग. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल एग्जाम 2021 फॉर द 12th क्लास. दिस वीडियो इज द बोथ मीडियम स्टूडेंट्स, हिंदी और इंग्लिश मीडियम. सो लिसन केयरफुली एंड वॉच इज दिस वीडियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फुल फॉर्म ऑफ द नीति आयोग. की नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2014. कि नीति आयोग 2014 में आया था भारत में, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी. और ये लागू कब हुआ? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को इसको लागू किया गया. हेडक्वार्टर आपसे कई बार पूछ लेंगे कि हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली. जैसे कि आप सबको पता है न्यू दिल्ली क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया. बट आपको ये नीति आयोग आया किस किस स्थान पर, ठीक है? नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन को रिमूव करके नीति आयोग को लाया गया. प्लानिंग कमीशन जो 1950 में बना था, योजना आयोग, ठीक है, प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था. ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था, कि कौन सी कमेटी थी, कौन सा आयोग था जिसने सिफारिश की थी प्लानिंग कमीशन के लिए, वो थी केसी नियोगी कमेटी. और ये 5 ईयर्स प्लान बनाती थी प्लानिंग कमीशन जो था. बट इसको रिमूव करके नीति आयोग लाया गया 2014 में. अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है क्या, कि टू प्रिपेयर इंडियन प्लान, 15 ईयर्स प्लान विजन, यानी कि आने वाले 15 सालों के लिए प्लानिंग करना. नीति आयोग का क्या काम है कि आने वाले 15 सालों के लिए विजन तैयार करना, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नीति आयोग. अब आपसे इसमें कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने कि नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट कौन है. वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राजीव कुमार IAS है, राजीव कुमार. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO कौन है? अमिताभ कांत. 4 यूनियन मिनिस्टर एज पर चॉइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो 4 यूनियन मिनिस्टर होते हैं वो किसकी चॉइस पर बनाए, चूज किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर की चॉइस पर. अब इस नीति आयोग में होते कौन कौन है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं नीति आयोग में? CM ऑफ ऑल स्टेट, यानी कि जितने भी राज्य हैं उनके चीफ मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी, सभी संघ प्रशासित देशों के प्रशासनिक अधिकारी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरीज के उपराज्यपाल इस नीति आयोग की कमेटी में होते हैं, यानी कि गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग इसको कहा जाता है. आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.